के सीमावर्ती गांव सुचेतगढ़ में और जहां पर जो शिविरों में लोग गए थे अपने सगे संबंधियों के वहां गए थे, कुछ लोग वापस आए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम मवेशियों का चारा आदि लेने के लिए आए हैं और चारा वहां से बाजार से लाके हम लोगों ने मवेशियों को दिया है और सरकार द्वारा ना तो हमें चारा मुहैया करवाया जा रहा है और ना ही हमारे परेशानियों का समाधान किया जा रहा। रतन सिंह की आखना चाहते बार्डर की कैसी स्थिति है? बार्डर के बारे च अं ये आखना चाहना कि जो साड़ी हालत हुई है बहुत बुरी हुई है, साड़ी कोई सुनाई नहीं किते सानू, कोई इतों तक नहीं कि साडा पुछे भी नहीं कि तुम रेंदे कितने हो, साढ़े तो इन्नी कि जास्ती हो गई है, कोई साडा मकान खाली नहीं रहा, कोई डंगर नहीं बचिया, पूरा माल मिलने से जोड़ा वो खत्म हो चुका लोगों का। अज लोग जोड़े न बिल्कुल बेरगजारे हो गए बैठे दिन, दुनिया बहुत दुखी है, इस गौरमेंट का सानू की लाभ है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी चौहान है, मैं सुचेतगढ़ का रहने वाला हूँ। सर, हम इस गांव से पीछे गए हुए थे अपने रिलेटिव के किसी रिश्तेदार के पास, आज हम आए हैं पशुओं को चारा चूरा डालने के लिए। हम तो जहाँ पे बहुत परेशान हैं, हमारी सुनाई नहीं की जा रही, कोई भी आता है हमारी तो वो सुनते नहीं। अब पहले तो मकसद यह है कि अब जहाँ तो कोई आता ही नहीं है, इसके बाद है कि हमें मवेशियों को लगती है। इसके पहले भी जो फायरिंग हुई थी, हमारे मवेशी मरे, नुकसान हुए, आदमियों का नुकसान हुआ, आदमियों को लगी, किसी ने हमको कुछ नहीं दिया, हमारी तो सुनाई आज तक नहीं है। हम कहते हैं कि जो कांग्रेस पहले भी हमारे लिए बोलती थी, अब तक बोलते आ रहे हैं कि बॉर्डर के लिए भर्ती करेंगे भर्ती करेंगे, हम जे सुन सुन कर हमारी तो हम तो ओवरेज हो चुके हैं। चलो, हमारी तो बात गई, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए अभी कुछ सोचा जाए, बॉर्डर वालों के लिए कुछ सोचा जाए, उसके लिए भर्ती की जाए, कुछ दिया जाए, इनको भी रहने के लिए जगह दी जाए, जो घर घर भटक रहे हैं। मरले का प्लाट देंगे, आज तक तो हम पहले से प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे से लेकर आज मोदी के बारे तक यही सुनते आ रहे हैं कि 5 मरले का प्लाट मिलना है, तो हमें नहीं लग रहा कि प्लाट हमें मिलेगा। आखिर में हमें इस जंग के मुंह की खा कर हम पीछे भागते हैं, आखिर में हमें शमशान घाट ही मिलता है, 5 मरले का प्लाट नहीं मिलता। बमबारी पै रही है ते माल मनीषी जेड़ा मतलब के खत्म हो गया, ते साडा कोई ना कोई पुछ ना कोई प्रतीत, ते मतलब डावां डोल बैठे दे आ, कोई जी नठ गए ने, कोई मतलब के कदा जी जेड़ा रहा है वह भी मतलब नठ रहा, डंगर साडे बड़े नुकसान होए ने, साडे हिंदुस्तान जेड़ा कोई साडी कोई ना कोई पुछ ना कोई प्रतीत ना कोई साडी गलबात सुन रहा, साही मतलब बड़े डावां डोल आ, ते साडी मतलब इंतजारी करनी चाहिए, साडी रखवाली करनी चाहिए, साडी देखभाल करनी चाहिए। लोगों को मतलब इन्ना ना माजबा दिता गया, साडे पिंड दे लोगों को कुछ नहीं दिता गया, साडे लोगों की कोई सुनाई नहीं, साडे लोगों की कोई मतलब वैल्यू नहीं, सानू बार्डर से बहालिया गया, साडा की बनाया गवर्नमेंट ने? हाँ, जोड़ेवाल मतलब जाके देखो, उन्हें लोगों को इन्ना इन्ना रुपया दिता गया, उन्होंने इन्ना डंगर नुकसान होए ने, साडे लोगों का अजे तक कुछ नहीं बनिया, अभी लोग बेबरबाद बनते पे हाँ, अभी साडी पुछ प्रतीत नहीं, साडी कोई वैल्यू ही नहीं, अभी बार्डर से बैठे दी हाँ, साडा कोई जीना आराम कर छड़िया ना लोगों ने, साडा मतलब होंदा ने ते आण के आखदे ने आओ तुसीं दलेरी दिओ जे करो वो करो, कख नहीं बनता पिया साडे लोगों का। हाँ, आउंदा ही कोई नहीं, कोई ना कोई देखदा आण के, ना कोई बालदा आण के, ना कोई दवाई ना डाक्टर ना लाइन ना देनी, कोई कुछ प्रतीत नहीं, डंगर बेनजायज ने मतलब मारे गए ने, लख लख रुपए की गाय ते मईयां जिहड़ियां बर्बाद हो गई ने, साडा की जीना आराम हो गया, ना तो हमें चारा मुहैया करवाया जा रहा है और ना ही हमारे परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। इन लोगों ने यह भी बताया है कि आए दिन पाकिस्तान की ओर से फायरिंग किए जाने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार की ओर से भी इन लोगों को 5 मरले का प्लाट देने का वादा किया गया था और आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की केंद्रीय में सरकार है, उन्होंने भी 5 मरले प्लाट की बात की थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैं सुभाष चंद्र बिश्नाह आरएसपी अपडेट के लिए कैमरामैन दलजीत सिंह चौधरी के साथ सुचेतगढ़ 0 लाइन से।